हेलो व्हाट्सएप एवरीबॉडी, मैं हूँ ऋतिक आर्या। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बाइसेप की टॉप 5 एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बाइसेप बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। चलो बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाइसेप के एक्सरसाइज से पहले बाइसेप की पुशअप बहुत ज़रूरी है। ये बात ना आपको कोई भी बंदा यूट्यूब पे नहीं बताएगा। बाइसेप की पुशअप ना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। आज हम बाइसेप पुशअप करके दिखाता हूँ आपको। क्लोज करना है एकदम, हाथ को एकदम क्लोज रख के, ठीक है? फिर करना पुशअप ऐसे ऐसे एकदम नीचे जाना। ये ओनली बाइसेप और ट्राइसेप, ट्राइसेप वास्ते बहुत हार्ड है। ये देखो। हेलो गाइस, पहले पुशअप लगानी है बाइसेप की एक्सरसाइज में। पुशअप के बाद एक सीधी राट लेनी है। राट में 2 प्लेटें डालनी है। 2 प्लेटें डालने के बाद जितना आप उठा सकते हो उतनी प्लेटें डालो, ठीक है? मैंने तो 2 डाली है। उसके बाद आगे फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले राट को ना सीधी सीधी है, शोल्डर के बराबर पकड़नी है, ठीक है? शोल्डर के बराबर पकड़ने के बाद इसको शोल्डर को रोक के रखना है, ठीक है? तो शोल्डर को रोक के रखने के बाद आ जाओ, एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ये देखो, बाइसेप की मूवमेंट होनी चाहिए। एक जगह हाथ को फिक्स रखना चाहिए, ज्यादा नीचे भी लेके नहीं जाना क्योंकि रिलैक्स हो जाएगा हाथ। 10 से 12 रेपुटेशन लगा सकते हो आप। हेलो गाइस, अब सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज कैसे करनी है देखो। पहले राड को ना क्लोज पकड़नी है। क्लोज पकड़ के जितने पकड़े हैं उसे एक मुट्ठी अंदर पकड़ना। अंदर पकड़ के ना फिर अंदरली बाइसेप की ना पंपिंग होगी, ठीक है? उसके बाद देखो, अब करके दिखाता हूँ फिर पता चलेगा। देखो ऐसे पकड़नी है, ठीक है? पहले बाहर था एक मुट्ठी, यहाँ था एक मुट्ठी, अंदर है। अब देखो इसको सिर्फ ऊपर लेके जानी है। पहले भी सुनाया था ज्यादा नीचे नहीं लेके जानी, ज्यादा ऊपर नहीं लेके जानी। दस से 12 रेप्स लगाओ, 3 सेट लगाने हैं। अब देखो फिर। हेलो गाइस, हमारी तीसरी एक्सरसाइज डंबल के साथ होने जा रही है। अब देखो, मैं तो हार्डवेयर चक्का हूँ, ठीक है? अब थोड़ी सी लाइट वेट उठानी है, ठीक है? बिगनर ओनली हल्के वेट उठाया करो, ठीक है? पहले डंबल को सीधा रखना है, एकदम सीधा, हाथ को पूरा नीचे, फिर एक पहले एक हैंड ऊपर फिर नीचे, फिर दूसरा हैंड ऊपर फिर नीचे, ऐसे ही 12 रैप्स करने हैं। एक हाथ के भी 12, दूसरे हाथ के भी 12, पूरी बाइसेप शेप में आ जाएगी फुल एक्सरसाइज के बाद एकदम। हमारी वेट तो बहुत हार्ड है। अब बॉडी एक दिन में नहीं बनती, बॉडी के लिए हमें लगातार मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, फिर जाके बॉडी बनती है। बार बार कह रहा हूँ, 10 से 12 रेपुटेशन। अब बिगनर सिर्फ 5 किलो वेट उठाएं, इससे ज्यादा नहीं। शुरू शुरू में 5, उसके बाद हौली हौली बढ़ेगा वेट बस। हेलो गाइस, अब हम बता रहे हैं, अब हमारी चौथी एक्सरसाइज है, जिसको डंबल को हमने सीधी पकड़नी है। पहले हम ऐसे थे, ऐसे पकड़ रहे थे, अब ऐसे पकड़नी है। फिर देखो इसको उठाया, फिर अपनी शोल्डर को पूरी लॉक करनी है। शोल्डर जो हिंदी में कंधे कहते हैं ना, कंधे को सिर्फ एकदम लॉक करके रखो। उसके बाद एकदम लॉक, उसके बाद ऊपर बाइसेप, फिर नीचे, दोनों एक साथ, दोनों डंबल एक साथ ऊपर ले जाकर थोड़ी देर रोकना है हाथ। नीचे की तरफ तेज आना है आपको, स्लो भी आ सकते हो तेज भी। 10 से 12 रेपुटेशन इसके करने हैं। बिगनर
भी आ सकता है। ठीक है। हेलो गाइस, अब हमारी पांचवी एक्सरसाइज है। पांचवी एक्सरसाइज हम प्लेट के साथ करेंगे, जो प्लेट को हम सीधा पकड़ेंगे, एकदम सीधा, शोल्डर ब्लॉक, बाइसेप अपना फुल ग्रो हो चुका है भाई साहब। आप देखो, ऐसे ऐसे नीचे लेके जानी है, फिर ऊपर लेके आना, फिर नीचे लेके, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, है ना? एकदम मस्त एक्सरसाइज है, करके देखना। इंटे के साथ भी कर सकते हो आप, जिसके पास गांव वगैरह में है नहीं। इंडिया अभी बहुत पीछे है। हेलो गाइस, ये देखो बोर्ड भाई साहब, अच्छी है। कमेंट में बताना कैसी है भाई साहब, है ना? और बाकी और आप मेहनत से और गेन करेंगे भाई साहब को। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था कि पांच पांच बताएंगे एक्सरसाइज, है ना? पांच एक्सरसाइज आपको बता चुका हूँ पूरी वीडियो में, है कि नहीं? उसके बाद देखो, भी कई बॉडी बिल्डर होते हैं जो कहते हैं यूट्यूब पे कि 1 से 10 दिनों में बॉडी बन जाएगी, आप ये खाओ, 1 से 30 दिनों में बॉडी बन जाएगी, आप ये खाओ। ऐसा थोड़ी ना होता। कई भी बाइसेप बनाने में, जहाँ कोई भी पूरी बॉडी के ट्रेन करने के लिए पूरी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। 1 महीने में तो थोड़ा सा पंप पता लगता है कि हाँ, अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ पता लग रहा है ना? बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर देख लो, संग्राम चौगले, जो मिस्टर वर्ल्ड बने हैं, 41 साल की उनकी उम्र है, उस 41 साल की उम्र में उन्होंने मिस्टर वर्ल्ड बने हैं। अब देख लो, हमें 10 साल लग जाते हैं बॉडी बनाने में, फिर जाके पता लगता है। हम बॉडी बिल्डर को कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता है। चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।